my YouTube channel The Full Toss. Guys, today we will learn about average. आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज के बारे में जानेंगे. एवरेज क्या है, किसे कहते हैं और कैसे निकालें किसी भी चीज का एवरेज. एवरेज का हिंदी होता है औसत. हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. पहले हम लोग जानेंगे एवरेज का हिंदी. एवरेज का हिंदी हो जाएगा औसत. बहुत ही आसान है. अब देखिए एवरेज होता क्या है. जैसे एवरेज तो है लेकिन इसका मतलब क्या होता है. तो आप दुकान पर गए, जैसे कि मतलब छोड़िए 30 और 40 है. अब इसका एवरेज निकालना होगा तो 35 हो जाएगा. मतलब इन दोनों के बीच में जो आए, देखिए 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. अब देखिए 35 के लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 और 35 के राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5. तो ये इसका बीच वाला हो गया. और जो बीच मतलब होता है ना, एवरेज माना जाता है, औसत कहा जाता है. या आप घर में भी कहीं दुकान पे गए होंगे तो सुने होंगे ये वर्ड. तो उसे ही औसत कहते हैं, उसे ही एवरेज कहते हैं. एवरेज निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है. तो हम लोग अगर कहीं पर नंबर दिया हुआ होगा 40 और 50, तो इसका एवरेज हम लोग जान लेंगे 45. कहीं पर नंबर दिया हुआ है 50 और 90, तो 50, 60, 70 और 80. अब देखिए इसका एवरेज हम लोगों को निकालना पड़ेगा. जी एवरेज इसका निकालना नहीं है, इसका एवरेज होगा 70. क्यों होगा? क्योंकि जो 70 के राइट हैंड साइड में 1 और 2 आ रहा है, मतलब कि दो नंबर आ रहा है ना, और लेफ्ट साइड में भी दो नंबर आ रहे हैं. तो एवरेज इसका हो जाएगा 70. एवरेज मतलब ये सिंपल समझिए कि जो बीच में हो. एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हर एक चीज़ का फॉर्मूला होता है. मैथ्स में हर एक चीज़ का फॉर्मूला होता है, उसी से मतलब सॉल्व किया जाता है. तो इसका हम लोग एक बार फॉर्मूला देखेंगे. फॉर्मूला है एवरेज निकालने के लिए, एक फॉर्मूला है द सम ऑफ द क्वांटिटी द सम ऑफ द क्वांटिटीज बाय द सम ऑफ द नंबर सॉरी द नंबर ऑफ द क्वांटिटी द नंबर ऑफ द क्वांटिटी. अब यह है एवरेज निकालने का फॉर्मूला. हर एक चीज का मैथ्स में फॉर्मूला होता है, वैसे ही एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है. इससे हम कितनों भी बड़े बड़े संख्या को एवरेज निकाल सकते हैं. तो एवरेज तो आप सुने ही होंगे घर में. अब आगे देखते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं. मान लीजिए एक कुंदन नाम का लड़का है और ये ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक दिन कमाता है ये आरएस 35, एक दिन कमा लेता है आरएस 45, एक दिन कमाता है आरएस 50, एक दिन कमाता है आरएस 55, एक दिन फिर से कमा लिया आरएस 50. तो यहाँ पर आ रहे, तो इतना मान लीजिए कोई कहा, उसे उसके घर में कोई रिश्तेदार है, उससे पूछा कि कितना कमाता है, तो वो ज़्यादा भी नहीं बोलेगा, कम भी नहीं बोलेगा, या फिर ऐसा नहीं कि वो सारा बोलेगा कि इतना कमाते, एक दिन इतना, एक दिन इतना. तो इसका उन लोग एवरेज निकाल के देता है, औसत निकाल के देता है कि मिनिमम कितना है. वैसे आप ही कहीं पे किए होंगे, आपको याद नहीं होगा शायद. देखिए तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग द सम ऑफ द क्वांटिटीज, तो हम इसका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे. जितने भी नंबर है ना इसे सम कर लेंगे, मतलब कि ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे. तो चलिए ऐड करते हैं. अब देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ द क्वांटिटी, कितना नंबर है, कितने नंबर का आपको एवरेज निकालना है. तो 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पर नीचे हम 5 लिख दें. अब जितना भी कट सकते हैं, जैसे भी आप काट सकते हैं, इसे काटना है. तो चलिए काटते हैं. 5, 4, 20, 3 कैरी, 5, 7.
तो 5 से 235 47 बार में कर देगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47। अब कोई इनके घर में रिश्तेदार आए तो वो अगर पूछे तो उन कितना बोला जाएगा 47। ऐसे तो कोई 47 बोलेगा नहीं, 45 ही बोलेगा, लेकिन इसका एक एवरेज हुआ 47। तो ये एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो क्योंकि बहुत ही आसान है। और आप यहाँ पर देखिए कि एवरेज निकालने का, औसत निकालने का कितना इजी फॉर्मूला होता है और साथ ही साथ उसको सॉल्व करने का ट्रिक भी, मतलब ट्रिक फॉर्मूला अच्छा होता है। बहुत ही आप आसानी से इसको 47 बार में काट लिए। अब आप घर में हैं तो मान लीजिए कोई 45 तो बोलेगा नहीं, लेकिन 47 है आप पढ़ लिए तो आप यहाँ पर कहीं बोल सकते हैं कि इसका एवरेज 47 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, एवरेज चैप्टर आपको समझ आई होगी। और अगर समझ में आई होगी या फिर अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हम उसका आंसर जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।